देखो यार कितना मुश्किल रास्ता था भाई, हम ये पता नहीं कैसे कैसे करके आए हैं। बंदे आ रहे नीचे से, देखो यार। रुपिन पास। अब हम चले किन्नौर वैली। हाँ भाई, शुरू करते हैं डे टू। बाल बढ़ रहे हैं पर ठीक है, ऐसा ही दिखना चाहिए पहाड़ में आके, लंबे लंबे बाल, भालू टाइप सा। अभी करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं आज के लिए। आज का लंबा ट्रैक है। आज का ब्रेकफास्ट आलू पराठे चाय। फिर तो ब्रेक से लग गए। करो शुरू। ये है कुछ आज का ट्रैक, ट्रेल आज का शुरू कर दिया है। अभी 10 मिनट ही हुए होंगे मुश्किल से, 10 भी गाँव। ये गांव था पीछे जहाँ से निकले गए। आज का लंबा ट्रैक है तो लगेंगे, शाम तक पहुँचेंगे शायद कैंप में। चलते रहना है बस, स्लो स्लो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पहुँच जाएंगे यार। नज़ारे अच्छे हैं आज। देखो भाई, पुराना ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, पत्थर की भी बनती है पर यहाँ है लकड़ी की। और ये सर्दियों के लिए घास वगैरह सुखा रखी है। धूप इतनी तेज है आज, बहुत बुरा हाल कर रखा है धूप ने। पसीने पसीने, पूरा मुंह ग्लो कर रहा होगा पसीने में। और ट्रेल कुछ ऐसा है आगे, ऊपर ऊपर आज जाना है 8700 फीट से 11800 फीट तक। एकदम से ना चलते चलते ट्रेल ही चेंज हो गया पूरा। ये क्या हाल है यहाँ का, कीचड़ कीचड़ हो रही है। जैसे पीछे तो था धूप वाला, अब अचानक से जंगल शुरू हो गया है। पूरा जंगल के बीच ही ट्रेल है। और आज धूप इतनी कैड़ी है ना, इतनी कैड़ी धूप है आज, पसीने रुक ही नहीं रहे। पर अब ठीक है, जंगल है, कहीं कहीं पे धूप है, कहीं कहीं पे छाया है, तो मज़ा आ रहा है। और अभी पीछे 2 दिन में पहला ग्रुप मिला है, इंडिया हाइक्स का ग्रुप आ रहा है। 15-16 बंदे हैं इनके ग्रुप में, बढ़िया बड़ा ग्रुप है। तो चलते रहेंगे ऐसे ही, कोई ना कोई मिलता रहेगा, टाइम पास हो जाएगा। नाते मित्र, पहला झरना विद बर्फ, इस सीजन में बर्फ है यहाँ। ये देखो, ये बर्फ है सारी। ज़ूम करूँ, ये देखो, ये वाइट झरना। बस यही देखने तो आए थे। मजा तो अब आएगा। ये पूरा ग्लेशियर है, मतलब बर्फ का ही पीस है ये पूरा। ये ही देखने तो आए थे। पुल क्रॉस कर देते हैं अब। ओह माय, ये है कुछ रास्ते। पुराना रास्ता इसी के ऊपर से था, बर्फ के ऊपर से आते थे और फिर ये क्रॉस होता था पूरा रिवर। अब ये पिघल गई है तो रास्ता खत्म हो गया, नहीं तो पूरा एरिया कवर रहता था बर्फ से। ट्रैकर्स आए हैं, ट्रैकर्स पास करके उल्टे आगे, गोरे गोरे ट्रैकर्स। फिरंगी है क्या? पहले गई बकरियां, अब आ रही है भेड़, देख लो कितनी है। ये व्यू, इसके साथ ढाबा। चीला है सर ये। अच्छा, ये लोकल किस चीज का बनता है? ये लोकल आटा होता सर, अपना लोकल आटा। ये सर ये सिड्डू है सर। ये सिड्डू? हाँ सर। ठीक है जी। ये सर
ये लोकल हनी है। लोकल हनी? हाँ सर। क्या बात है जी, मजा ही आ जाएगा। आप सर खाएंगे तो मजा आ जाएगा सर। मजा ही आ जाएगा जी, इतने टेस्टी है ना सर। सिड्डू के साथ भी हनी चलता है? चलेगा सर, सब कुछ चल रही है। टेस्टी है ना सर, लोकल है। हाँ जी हाँ जी, बहुत सही। मजा ही आ जाएगा जी। चाय कुछ सर? चाय तो नहीं सर। कॉफी चाय? नहीं नहीं, बस यही बस यही करेंगे ट्राई इस व्यू के साथ। करते हैं सिड्डू ट्राई ओपन पास ट्रैक पे। और ये चीला फोकस भी नहीं हो रहा, ये तो कुछ चिपचिपा चिपचिपा सा है। और कह रहे हैं कि हनी के साथ खाना, ये हनी। ओहो, सही है टेस्ट। अब खा लेते हैं। ये भी देखो, ये कुछ ट्रेल था, चढ़ते हुए आ रहे हैं तब से ही। और आगे का देखो क्या नज़ारा है, क्या व्यू आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है दूध का झरना है, दूध का। मस्त नज़ारे भाई। और रूपीन रिवर जब से नीचे से बिल्कुल नीचे से हमारे साथ साथ चल रही है, और यहाँ पे टाइनी को अपनी पुरानी चीज़ें मिल चुकी है। ये खो गया था तेरा, ये खो गया था तेरा पिछले जन्म में। ये इसका सामान है, ये इसका सामान है जो पिछले जन्म में खो गया था, एंड फाइनली इसको मिल चुका है। अब ये घर ले जा इसको, घर ले जा इसको, एक गिफ्ट है मेरे फॉलोअर्स के लिए। और यहाँ पे बन रहे समोसे, बताओ इतनी हाइट पे आगे भी यहाँ पे समोसे का फ्लेवर होने वाला है। यहाँ एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ ना ये ट्रेल है, ऐसी ट्रेल है, साथ साथ नदी है, पानी मिलता रहता है। और फिर ना हर 500 मीटर पे या 1 किलोमीटर पे ऐसे ऐसे ढाबे हैं। और खाने को वही हिमाचल का वो सिद्धू, इनका वो काले से कलर का वो चीला, चाय। पीछे वाले पे तो समोसे भी थे, तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है और हम चलते रहते हैं। क्लियर है वेदर भी। चलो भाई, इस बार मिला है एक नया जूस, ब्रह्मी ब्रांच भी है यहाँ, और नींबू पानी दो तरह का। सर ये बना दो एक ग्लास। यहाँ देखो इतने ऊपर गोलगप्पे मिल रहे हैं। लोकल डिश भी है सर यहाँ पर, लोकल। वो सिद्धू भी दूसरा नीचे खाया है, और है दूसरा ये सर। क्या चीज हो गया? मिर्ची रोटी मिलेगी, चीला मिलेगा। चीला चीला तो खा लिया नीचे, चीला सिद्धू नीचे खा लिया। दो तीन प्रकार का होता है सर, दो तीन प्रकार का होता है। कौन सा वाला खाया आपने? नमकीन वाला खाया? नहीं, वो खाया था वो पकौड़ा वाला, जिसमें वो करारा करारा सा रहता है थोड़ा सा। इसका टेस्ट करके बता दो। चलो देखते हैं अभी, ये ले लें एक। ले लो ले लो ले लो सर। नया जूस, बड़ा बाहर आ था धूप से मैं यार, ज़्यादा 50-50 हो गया है। आप लो बेसक रिव्यू। कब सिरप है, कब सिरप बता रहा है तो। खट्टा मीठा सा है यार, अजीब सा है। वेस्टेज, ये भी वेस्टेज। और कुछ देखते हैं, गोलगप्पे 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 भी हैं। पानी कैसा है सर? चटनी भरोगे? चलो भाई करें टेस्ट। हाँ मित्र, कैसा हिसाब है मसाले? दिक्कत तो नहीं करेंगे? उसे खाऊंगा चार, तुम खाइयो। बस एक खाऊंगा चार, तो खाइयो।
देख रहे हो ये सीढ़ी आ गई, सीढ़ियां नीचे नदी, चढ़ते ही जाओ बस, चढ़ते ही आ रहे हैं अब तो भाई रे, कहीं कहीं पे तो बहुत मुश्किल हो जाए। चलते चलते हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, यू चेंज कंप्लीटली, वैली चेंज हो जाएगी पूरी। यही बोला जाता है रुपिन पास के बारे में कि ये इतने सरप्राइजेस देता है ट्रैक, चलते चलते एकदम से पूरा टेरेन चेंज, पूरी लोकेशन चेंज, कहाँ चढ़ते ही जा रहे थे और अब अचानक देखो ऐसा व्यू हो गया है कि बिल्कुल प्लेन दिख रहा है दूर तक और क्लियर व्यू, नदी बह रही है, चौड़ा पूरा चौड़ा हिस्सा है नदी का ऊपर तक का झरना, क्या ही व्यू मिल रहा है देखो। इस व्यू के साथ लंच हो जाए तो कितना मजा आएगा, हो सकता है ला रहे हैं अपना। ये है आज का लंच इस व्यू के साथ। यहाँ से कुछ अच्छे नज़ारे स्टार्ट हो चुके हैं। ये सामने इंडिया हाइक्स का कैंप है और वो सामने वाटरफॉल है, काफ़ी ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है वाला, और ये साहिल। साहिल भाई कितनी देर में पहुँचेंगे? अगर आप लोकल हैं तो एक घंटे में, अगर आप हमारी तरह अच्छा कैंप बड़े अच्छे हैं इनके, लोकेशन बहुत ही तगड़ी है भाई। ऐसे व्यू के साथ कैंपिंग बहुत अच्छी लोकेशन है। अब देखना व्यू तो अब मिलेगा, बिल्कुल क्लियर पानी, नहाने के लायक लोकेशन, नहाने वाली लोकेशन। ओ भाई साहब पत्थर तक नहीं है यहाँ, और आगे देखो वॉटरफॉल, अपर वॉटरफॉल, क्या ही व्यू है। धूप धूप में तो ना सकते हैं, ना लेना चाहिए, मन तो बहुत कर रहा है। पानी बहुत ठंडा होगा, बहुत एक्सट्रीम वाला। देखो लोकेशन, गहराई भी है, कमर तक का गहरा पानी है और स्टेबल बिल्कुल। तो रुक क्यों रहा है, आ जाना जल्दी। ये देख लो ठंडे पानी में घुसा पड़ा है, फिर बोलेगा बीमार हो गया मैं, हो गया आइस थेरेपी। वो ऊपर वाटरफॉल है, वहाँ हमें कल जाना है। उससे पहले आज का जो बेस कैंप है वो जो ऊपर एक मिनटो दिख रहा है ग्रीन कलर का, वहाँ पे है। आराम आराम से पहुँच जाएंगे टाइम से पहले। और ये यहाँ के आसपास के कुछ नज़ारे, फिर से लोकेशन चेंज, पहले थे हम नीचे वहाँ उधर पानी के पास, फिर ट्रैक करते हुए वहाँ से यहाँ आए हैं। और अब देखो ये बुग्याल, एक और नया एलिमेंट, अब इसी में जाना है ऊपर। चलो पीछे का व्यू देखता हूँ, क्या ही व्यू है। ये आ गया वाटरफॉल। आज का ट्रैक होने वाला है ख़त्म, अपने कैंप है मेरे सामने। अब बस इतना सा डिस्टेंस बचा है, सामने झरना है मस्त सा, और करेंगे अब ख़त्म आज का ट्रैक चल के थोड़ा सा। और नज़ारे तो देखो भाई, रुपिन पास पे हर कुछ किलोमीटर के बाद चेंज होते हैं। और उत्तर तू भी आ गया, ये है अपना कैंप।
हम भी पहुंच गए अपने कैंप्स में, दंदराश कैंप 11,300 फीट पे, और वॉटरफॉल से सबसे पास, बाकी सब पीछे हैं, पीछे पहुंच गए 3:59। मतलब हमने अपना सुबह ट्रैक शुरू करा था 9 बजे, 9 बजे करा था, 9 बजे और हम 4 बजे पहुंच गए। डिस्टेंस इनके अकॉर्डिंग है 8 किलोमीटर, और जो वो मिला है आइटनरी है उसमें था 11:30 के आसपास, तो पता नहीं कौन सा ठीक है, पर कितना टाइम लगा हमें तो। अब करेंगे थोड़ा रेस्ट और फिर ढूंढते हैं आसपास कुछ बढ़िया। रेनबो, हल्के हल्के झरनों में रेनबो, तीन तीन इंद्रधनुष बह रहा है, नीचे वाला मिलावटी है, ऊपर तो पूरा प्योर है भाई। ओ तेरी, वो तगड़ा लग रहा है। इवनिंग स्नैक्स, पॉपकॉर्न, सूप, व्यू, तगड़ा हो गया व्यू। अब तो पैक हो जाएंगे, तो भाई सीन ऐसा है, एक मिनट, ज़्यादा हो गया, रात के बज रहे हैं 9:30, खाना हमने खा लिया है, स्टार गेजिंग मैंने कर ली है, फोटो अपलोड कर दूंगा, वीडियो में कैप्चर होता नहीं है। ये हमारा टेंट है, और इस टेंट की खासियत, 1, 2, 3, 4 और ये 5, रहने वाले हम 2, तो साइनिंग ऑफ आज का यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ स्टार्स तो इसमें भी कैप्चर हो रहे होंगे अब भी, पर बाकी जो क्लियर फोटोज़ है ना मिल्की वे की, जितना हो सका वे सब कर दूंगा अपलोड, फोटो अभी के लिए ख़त्म।